हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मैं एक नया इवेंट जो आपने देखा होगा, शायद लिस्ट में शो हो रहा होगा आपके। तो इस लिस्ट में आपने अलायंस कंपटीशन देखा होगा इवेंट सेंटर में। तो एक बात और बता दूं, गोल्डन रिफाइनिंग चल रहा है, क्वेस्ट में ये भी एक्टिविटी आएंगी जिनकी वजह से आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे ही, साथ में आपकी एक्टिविटी भी कंप्लीट होगी। सो अलायंस में जाएं, ये लिस्ट रिफ्रेश हो रही है अभी। तो मैंने गोल्ड लेवी एक्सेप्ट कर लिया 50 बार, 10 बार मेरा फ्री में था, 10 बार मैंने कर लिया। थोड़े से जेम्स खर्च के करके मैं 115 पॉइंट ले लूँगा। इनमें से जौन सी एक्टिविटी आप कंप्लीट कर सकते हैं वो आप एक्सेप्ट करें, मगर पहले एक्सेप्ट कर लें फिर आप जो करना करें। जैसे ये है 50 मिलियन रिसोर्सेज आउट ऑफ सिटी, 50 मिलियन कोई भी तरीके का सामान आपने सिटी के बाहर से निकालना है। अगर आपके पास ये है, इसमें भी 115 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 200 मिल जाएंगे अगर आप कल्टीवेट करेंगे जनरल को 400 बार। तो जनरल कोई भी ऐसा कोई जनरल पिक कर लें जो आपके पास नया जनरल है, तो आपने सिर्फ एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। अगर मैं 200 बार करता हूँ और जनरल कल्टीवेट 300 बार करता हूँ, ये देखें आप, 200 यहाँ से मिल जाएंगे पॉइंट, 170 यहाँ से मिल जाएंगे। तो एक्टिविटी के दौरान मेरे गोल्डन रिफाइनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो गोल्ड लेवी जो है ये करते हैं, अगर मैं इसे अबेंडन करूँगा जैसे करता हूँ तो यहाँ पर मैसेज आएगा कि आपका चांस चला जाएगा। मेरे पास 13 है, तो जो चांस मैंने यूज़ किया वो वापस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है जैसे ये ड्रैगन का है तो आपको ये शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरा ये वाला ड्रैगन एक्टिव नहीं है अभी। पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ, और ये जैसे कि यहाँ पे आप डिलीट का ऑप्शन आ गया, कंज्यूम स्टेमिना ये बाद में देखते हैं। किल लेवल 13, कल्टीवेट, ओके। सो पहले हम इसे कंप्लीट कर दें गोल्ड लेवी को, 10 बार कर लिया मैंने। $2,530 के साथ मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे क्वेस्ट में। ये हो गया कंप्लीट, तो मेरे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब जो भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते, जैसे कि ये एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, डिलीट नहीं कर सकते, पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप डिलीट कर सकते हैं। अब डोनेट अलायंस फॉर 120 टाइम्स, 120 बार डोनेट करना। अगर इसे एक्सेप्ट करता हूँ तो आपको मालूम है अलायंस में कहाँ जाके डोनेट करना है। आपको अलायंस में जाएं, अलायंस साइंस में जाएं, यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। मगर डोनेट करने से पहले वो एक्टिवेट कर ले जरूर अपना क्वेस्ट को। आप मान लो कि मुझे इनमें से कोई एक्टिविटी नहीं चाहिए, जिस पे शो होगा डिलीट वो डिलीट कर सकते हैं आप। अगर आपके पास डिलीट का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको वो एक्टिविटीज़ करनी ही पड़ेंगी। तो इनमें से इसी का ऑप्शन आ रहा है, कंज्यूम स्टेमिना 200। अगर इसे मैं डिलीट करता हूँ तो मेरा चांस नहीं जाएगा, मैसेज वही आएगा पर आपका चांसेस डिलीट नहीं होंगे, 13 के 13 ही रहेंगे जैसे मेरे 13 हैं अभी। तो दोस्तों अपनी लिस्ट को देखें, जो भी क्वेस्ट कंप्लीट करेंगे उस बॉक्स में एक नया क्वेस्ट रिफ्रेश होगा। जो भी है क्वेस्ट आप नहीं कंप्लीट कर सकते उसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद 10 मिनट बाद एक और नया क्वेस्ट आ जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। अब जैसे मॉन्स्टर मारने हैं तो ये एक्सेप्ट कर लें। अगर आप डोनेट करने वाले हैं जैसे कि ये है अलायंस में, जैसे मैं ये इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, 170 पॉइंट है इसके, तो फिर आप डोनेशन शुरू कर दें। अगर आपने जेम्स खर्च करने हैं जल्दी कंप्लीट करने के लिए 120 बार, तो आप कर सकते हैं। तो एक बार में आपको दिखा दूँ कंप्लीट हुआ कितना, कितने पॉइंट, कितनी बार कंप्लीट होता है एक बार में।
तो हमने 13 बार कर लिया है एक बार में। तो अगर आपने जल्दी कंप्लीट करना है, वेट नहीं करना, तो आप जेम्स का यूज़ करें अपने, तो कंप्लीट कर लें। ये है रिसोर्सिस का, आपकी लिस्ट में कुछ और होगा, पर इसे कंप्लीट करें ताकि आपके रिवॉर्ड्स मिल सकें। और जब आपका जो रैंकिंग है, अलाइंस रैंकिंग, जैसे हमारा 8 है अभी, हमारे हम एंटर करके नोविस लीग में, इंफॉर्मेशन में आप जाएंगे, आपको इंफॉर्मेशन में डिटेल्स पता चल जाएगी कि नोविस लीग क्या है, प्रमोशन रूल्स। नोविस लीग ये रहा अलाइंस दैट रीच स्कोर स्टेज 8 प्लेस 5 विद प्रमोटेड। सो ये लिस्ट आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सारी डिटेल के बारे में। मोनार्च रैंकिंग, ये सारी डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे क्वेस्ट के बारे में, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे जहाँ आपका ऊपर रैंकिंग बार चल रहा है, उस पर साथ में जो चेस्ट दी है उस पर क्लिक करें। ये रिवॉर्ड्स हैं जो करंट रिवॉर्ड हमारे पास हैं। तो एक स्टेज ऊपर चला गया अपना अलाइंस, इसलिए अलाइंस में ये अनलॉक होते जाएंगे जैसे जैसे आपका रैंक अलाइंस का बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास ये वाले रिवॉर्ड्स हैं जो मैं अभी क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी टोटल अलाइंस ने जो प्ले किया, स्कोर इकट्ठे किए, उसकी वजह से हमारे ये रिवॉर्ड्स अनलॉक हो गए। तो जितने आपके अलाइंस के स्कोर बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके ये रिवॉर्ड्स अनलॉक होते जाएंगे। मोनार्च में मैंने कंप्लीट किया है, तो मेरे पास अभी ये वाला रिवॉर्ड्स आ गया है। जैसे जैसे मेरे स्कोर बढ़ेंगे तो मैं ये वाले रिवॉर्ड्स क्लेम कर सकता हूँ। तो जब मैं 2600 पे पहुँच जाऊँगा तो मुझे ये दो जनरल की चेस्ट मिलेंगी जिनमें ये जनरल्स हैं। सो रेंडमली कोई भी आपको जनरल मिल सकता है, साथ में आपके रिवॉर्ड्स हैं तो जेम्स भी मिलेंगे। तो कोशिश करें आप अपनी क्वेस्ट के सबसे हाई स्कोर को सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको ये जनरल की चेस मिल सके। ये सभी को मिलेंगी, ये नहीं है कि आपको कोई क्वेस्ट के बाद में मिलेगा, ये अभी के अभी आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे मेरे ये रिवॉर्ड्स अभी चालू है, मैं क्लेम कर सकता हूँ। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें एक और चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं। तब तक के लिए एंजॉय योर गेम।